लोकसभा का तीसरे दौर का चुनाव निपटने ही वाला है और अब सारी तैयारियां बाकी की दौर के वोटिंग के लिए हो रही हैं। इस चुनावी जंग में कांग्रेस बीजेपी समेत तमाम पार्टियां उन तमाम अस्त्र शस्त्र के साथ मैदान में एक दूसरे पर वार कर रही हैं, जिससे विरोधी के कपड़े तार तार हो जाए और वोटर के बीच उनकी इमेज पराक्रमी वीर योद्धा की बन जाए और वो वोटर के मन में ये बात बिठा सके कि उसका और देश का भविष्य केवल उनके ही हाथों में महफूज है। इसके लिए तमाम तरह के तिकड़म किए जा रहे हैं, इसमें कोई भी किसी से पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर स्ट्राइक वाले अभिमन्यु के मुद्दे पर पाकिस्तान में कयामत वाली रात और न्यूक्लियर बम फोड़ने की धमकी देकर ब्रह्मास्त्र दागा है, तो वहीं कांग्रेस ने भी इस चुनाव में अपनी एटमी बम फोड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि यूपी में आखिरी चार दौर के सभी चुनाव में पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा पर ही दाव खेलेगी। यूपी में कांग्रेस के लिए राहुल गांधी नहीं बल्कि प्रियंका गांधी ही चेहरा होंगी। राहुल नाम मात्र के लिए एक या दो रैलियां ही करेंगे, जबकि बाकी के चार दौर के चुनाव में प्रियंका गांधी धुआंधार प्रचार कर बीजेपी की सेना में खलबली मचाएंगी। मजेदार लड़ाई तो लखनऊ में देखने को मिलेगा, जब कांग्रेस बीजेपी की कट थ्रोट फाइट में सपा बसपा गठबंधन में भी नया गुल खिलेगा। लखनऊ में रोड शो के दौरान प्रियंका अकबरी गेट और मड़ियाओं में नुक्कड़ सभा करेंगी, तो उधर गठबंधन की ओर से अपनी अम्मा पूनम सिन्हा के लिए फिल्म एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा रोड शो के बहाने लखनऊ के लड़कों की खाक छानेंगी। अब देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि वो चाहे जिसे पड़े लेकिन भीड़ जुटाने में प्रियंका और सोनाक्षी में सबसे ज्यादा कामयाब कौन होता है। अब बात फिर लौटकर प्रियंका गांधी की। 24 अप्रैल यानी बुधवार से प्रियंका का काफिला बुंदेलखंड से रवाना होगा, जो बांदा, झांसी, हमीरपुर और फतेहपुर होते हुए लखनऊ पहुंचेगा। इस दौरान प्रियंका लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाकर माइलेज लेने की कोशिश कर रही हैं। वो और उनके आरोपी पति रॉबर्ट वाड्रा लगातार कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान चाहे तो प्रियंका बनारस से जाकर मोदी से दो दो हाथ करने को तैयार है। प्रियंका जानती है कि उनका जादू अभी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। राहुल भी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर एडवांटेज लेने के लिए डायलॉग दे रहे हैं कि सस्पेंस तो बना ही रहना चाहिए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने मोदी और शाह से अमेठी और रायबरेली में रैली का समय मांगा था, जो अभी तक मंजूर नहीं किया गया है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि प्रियंका गांधी का चुनावी रथ जब लखनऊ से होता हुआ पूर्वांचल की ओर बढ़ेगा तो उसके रथ के पहिए कांग्रेस को सत्ता तक ले जाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। लखनऊ से श्रुति शुक्ला की रिपोर्ट।